गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 और 2 को आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि सवाल में बताया गया है, क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं आपको जांच करना है। तो कैसे करेंगे इसको हल, आइए देख लेते हैं। पहला सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। इस तरह का जब भी आपको सवाल मिले और इसको जांच करना है तो आपको फॉर्मूला का जरूरत अवश्य पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो फॉर्मूला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला पर आधारित है पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस हम लोग को इसी मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2ab। a कौन है, x है, तो हम लोग x लिखेंगे। b कौन है, b 1 है, तो हम लोग यहां पर 1 लिखेंगे। फिर हम लोग प्लस देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर। तो b कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू देंगे। इसके बाद हम इधर का करेंगे, 2 को x बार पढ़ेंगे तो हो गया 2x। अब 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 जा हो जाएंगे 6। यहां तक कर लेने के बाद आपको इसका जोड़ घटा या गुणा जो भी है वो आपको कर लेना है। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 हो जाएंगे, x बैठ जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है इक्वल टू 2x माइनस 6। अब जो करना है वो है, जो भी राइट हैंड साइड में है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाना है, और राइट हैंड साइड को आपको क्या कर देना है, जीरो में बदल देना है। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इन सब को आपको बराबर के इस ओर लाना है, मतलब बाईं ओर ले जाना है। तो दाहिने से बाईं ओर जाने के लिए चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, जोड़ घटा देखिए, प्लस 2x माइनस 2x आपस में कट गया। क्या x स्क्वायर का कोई जोड़ा है, नहीं है, तो बैठ जाएगा। प्लस 6 और 1 क्या हो जाएंगे, 7 है इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, जरूर है, क्योंकि इसका एक घात 2 है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, हाँ, तो ये द्विघात समीकरण है। जिसमें द्विघात नहीं रहेंगे उसमें आपको लिखना है नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है कि x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहां पर देखिए कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही रख देंगे। यहां पर क्या करेंगे, गुणन करेंगे, 2 3 जा 6, तो माइनस 6 होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। फिर माइनस 2 को माइनस एक्स बार पढ़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 2 को एक्स बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे 2x। अब सिंपल बात है कि x स्क्वायर माइनस 2x, अब जो दाहिने वाले हैं उसको बाईं ओर हमको ले जाना है, तो इसका चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस 6 और प्लस 2x जो है वो माइनस 2x में बदल जाएंगे, और बराबर क्या हो जाएंगे, जीरो। अब आपको इसको निकालना है, देखिए x स्क्वायर का कोई पेयर नहीं है तो x स्क्वायर बैठ जाएंगे, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x हो गया, प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका एक पद द्विघाती है, तो इसलिए इसको भी लिखेंगे हम लोग, हाँ। तो इस तरह से हम लोग इस मैथ को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मैथ अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हर रोज लाते रहता हूँ। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।